प्रदेश में आयुष चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अगर बात करते हैं तो सरकार किस तरीके से काम कर रही है और कौन कौन सी योजनाओं को लेकर आई है सरकार और उस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है? देखिए, आयुष मंत्रालय 2014 में जब पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार बनी तो उसमें उत्तर प्रदेश और देश में कहीं भी आयुष का मंत्रालय नहीं था। हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत काम करते थे। तो 9 नवंबर 2014 को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मंत्रालय का गठन किया। आयुष मंत्रालय में आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, स्वरिग्पा, योग और नेचुरोपैथी, ये कुल मिला के 7 विधाएं हैं। तो गठन के बाद फिर चूंकि ये देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित विधाएं हैं, कोई पर्वतीय अंचलों में स्वरिग्पा प्रचलित है तो दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में सिद्धा प्रचलित है, पूरे देश में एक कॉमन है जो आयुर्वेद सबके जीवन में है, होम्योपैथ भी पिछले 270 सालों से इस देश में भी भारत में भी प्रचलित है। तो इन सबको मिला के जो आयुष का मंत्रालय बना उसके बाद से इस देश में, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, ये 2017 में जब योगी जी की पहली सरकार बनी तो फिर आयुष का मंत्रालय बना। 14 में बनने के बाद चूंकि यहाँ सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने 3 वर्षों तक इस निर्णय को पेंडिंग रखा, तो 17 में उत्तर प्रदेश में बना। और उत्तर प्रदेश में बनने के बाद पिछले 4000 हमारे पास छोटे बड़े अस्पताल हैं, कुल 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, 2 नए मेडिकल कॉलेज बनारस और अयोध्या में नए बन रहे। आयुष का विश्वविद्यालय नहीं था उत्तर प्रदेश में तो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बन रहा है। पुराने जितने भी हमारे अस्पताल थे वो CHC, PHC या ज्यादातर हेल्थ के हॉस्पिटलों में चला करते थे, अब उनके लिए हम नए अस्पताल नए परिसर में बना रहे हैं जिसको हमने आयुष वेलनेस सेंटर का नाम दिया। तो करीब 1000 से ज्यादा आयुष वेलनेस सेंटर हम लोग बना चुके हैं और 250 से ज्यादा योग वेलनेस सेंटर। इसके बाद हम लोगों ने अब उसको वेलनेस सेंटर्स को आरोग्य मंदिर का नाम दिया है, जहां आने के बाद आपको एक ही परिसर में, और उत्तर प्रदेश के करीब 21 से ज्यादा जिलों में हम लोग अब तक 50 बेड के नए इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल। अभी तक क्या था कि कहीं होम्योपैथ का अस्पताल अलग बनता था, यूनानी का अलग बनता था और आयुर्वेद का अलग बनता था, अब हम जो अस्पताल बना रहे वो इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है एक ही अस्पताल के परिसर में, जो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर बनाने का संकल्प है उत्तर प्रदेश की सरकार का। तो प्रत्येक जिले मुख्यालय पर 50 बेड के नए अस्पताल, जिसमें हम 21 जिलों में अब तक अस्पताल बना चुके हैं। तो ये हमारी यात्रा है। हम लोग नित नए, जैसे पुरानी विधाएं हैं, आयुर्वेद को कहा जाता है कि ये अथर्ववेद की उपशाखा है, तो ऐसे में कोई चीज बहुत पुरानी है तो आजकल के लोगों को हर चीज में चाहिए कि इस पर रिसर्चेस क्या हो रहे हैं। जिस विधा को हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों हजार साल से दुनिया में स्थापित किया, भारत में अगर हम किसी विधा की उम्र 400 साल मानते हो लेकिन हमारा देश तो हजारों साल से वेद को ही मानता था, तो उसके लिए वर्तमान में हम नित नए प्रयोग कर रहे हैं। मोदी जी ने अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा में उद्घाटन किया, पहले से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ चूंकि पश्चिम बंगाल कलकत्ता में था उसकी एक सब ब्रांच अभी दिल्ली में उन्होंने डाला है, हम लोगों ने अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी वो बनाया है गाजियाबाद में। और आपके लिए मैं बताऊं कि देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के 176 देशों की परंपरागत दवाओं पर काम करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन वो अभी जामनगर गुजरात में बना है, जिसमें दुनिया के किसी देश में जो परंपरागत दवाएं प्रचलित हैं उन पर काम करने के लिए बनाया। स्वरिग्पा ये देश के कश्मीर से लेके सारे पूर्वोत्तर राज्यों तक प्रचलित एक विधा है जिसका जन्मदाता मानते हैं भगवान गौतम बुद्ध को, तो 2700 सालों से ये विधा प्रचलित है पर्वतीय अंचलों में, तो उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्वरिग्पा वो हम लोगों ने बनाया है लेह में। तो ये देश में जो आयुर्वेद पे काम हो रहा है वो आपसे छिपा नहीं है। और
कोरोना के काल में आपने देखा कि जब दुनिया में कोरोना से लड़ने के लिए कोई दवा नहीं थी, कोई टीका नहीं था जी, तो भारत के लोगों ने इसी आयुष मंत्रालय के काढ़े को उपयोग में लाए। आयुष का काढ़ा पूरे देश में बटा, गिलोय हो, दालचीनी हो, हमारे घर के जो किचन है हमारा, आधा आयुर्वेद तो उसी को कहते हैं जो हमारे मसाले होते हैं। लोगों ने उस समय दालचीनी हो, मसालों का उपयोग अपने जीवन में किया, और गिलोय को तो मुझको लगता है कि पहली बार देश ने इसने सम्मान के दृष्टि से देखा होगा। आयुर्वेद में वर्णित है, इसको अमृता कहते हैं, जिसको हम लोग गिलोय कहते हैं, गुरुच कहते हैं। तो आयुर्वेद की उपयोगिता जीवन में सबके रही है। बीच का दौर थोड़ा संक्रमण का दौर था, लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से दुनिया में योग को प्रतिस्थापित किया, लेकिन ये मुझे लगता है बिल्कुल वैसा ही है जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलाने के लिए जरूरत पड़ी थी बताने की, अगर कोरोना ना आया होता तो हम भी, सिर्फ कोरोना की बात नहीं है, हम भी अपनी देश ने अपने अतीत की बहुत सारी चीजों को भुला दिया था। योग हमारे योगी ऋषि मुनियों की चीज थी, जो कहते थे ना हिमालय की कंदराओं में गुफाओं में हमारे साधु संत रहते हैं, योग करते हैं, योग मतलब योगी, उसको वर्तमान के तमाम लोगों ने, हमारे साधु संतों ने सर्वसुलभ किया, जन सुलभ किया। आज इस देश में हर व्यक्ति योग की महत्ता को जानता है। हम बधाई देना चाहते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने योग को सारे संसार में स्थापित करा दिया। 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता, ये उन्हीं के प्रयासों की देन है कि संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सर्वाधिक मतों से पारित होने वाला कोई प्रस्ताव है तो योग दिवस का है, जिसको सारी दुनिया ने स्वीकार किया। आपने देखा कि सारा विश्व उस दिन योग करता है, पूरा संपूर्ण पूरा यूरोप एशिया सारा, तो आपको खुशी होती है कि भारत की एक विधा को संसार ने, और यहां तक आपको ये बात और भी आश्चर्यजनक लगेगी कि दुनिया के 47 मुस्लिम देश हैं जिन्होंने योग को स्वीकार किया है। तो योग जैसे हमारे दुनिया के लोगों ने योग को स्वीकार किया, आने वाले दिनों में हमारी ये जो प्राचीन चिकित्सा की पद्धति है आयुर्वेद होम्योपैथी, ये जर्मनी विधा है, जर्मनी के सर हैनीमैन ने इसको जन्मदायक मानते हैं, इनको फादर ऑफ, उनको होम्योपैथ कहते हैं। हमारे वर्तमान में महर्षि सुश्रुत, मॉडर्न मेडिसिन भी वर्तमान में उनको फादर ऑफ सर्जरी कहती है। कल्पना करिए कि हजारों वर्ष पूर्व कोई व्यक्ति भारत का वो पत्थर के टुकड़ों से सर्जरी करते थे, ब्रेन सर्जरी करते थे, उन्हीं महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी मॉडर्न मेडिसिन भी कहता है। तो हमारे एक संत का, एक ऋषि का सम्मान दुनिया में इतना है, और उन्हीं के बनाए हुए जितने भी औजार हैं आज भी मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न मेडिकल साइंस में उसका उपयोग होता है। तो किसी एक ऋषि को, महर्षि पतंजलि के योग को दुनिया धीरे धीरे स्वीकार कर रही है। मैं उसी पर आ रही थी सर कि क्या अभी तक अचीवमेंट्स है हमारी, मतलब जैसे आपने कहा कि हम हर जिलेवार इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल पर काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? अभी थोड़ा वक्त लग रहा है लोगों को समझने में अपनी जो पद्धतियां रही हैं उनको? गांव का आदमी जानता है कि किस रोग में उसको, गांव की किस जड़ी बूटी का किस पौधा, और गांव के लोगों के जीवन के इर्द गिर्द वो आंगन की तुलसी ना, वो जिसको हम समझते थे तुलसी को माँ कह के लोग पूजा करते हैं, आंगन में लगाते हैं, लेकिन वो तुलसी वर्तमान में विज्ञान कहता है कि ये सबसे बड़ा प्योरीफायर है। आपने देखा कि ऑक्सीजन के एक सिलेंडर को लेकर दुनिया जिस तरीके से तड़प तड़प के लोग मर रहे थे, तब लोगों को ऑक्सीजन की कीमत पता लगी। ऑक्सीजन के लिए हमारे आपके पिछले, हमारा पूरा सनातन जिन वृक्षों की पूजा करता है, चाहे वो पीपल हो, बरगद हो, पाकड़ हो, गूलर हो, नीम हो, हम सभी ने अपने सनातन से, हम लोग जानते हैं कि अतीत का भारत इन वृक्षों की पूजा करता था। तो लोग कहते थे कि वृक्ष की पूजा क्यों, सारे वृक्ष एक जैसे हैं, लेकिन आज विज्ञान कहता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले यही वो पौधे हैं। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला कोई पौधा है तो उसका नाम पीपल है, जिसको हम लोग दैवी वृक्ष मान के हम लोग मंदिरों में लगाते थे, कोई काटता नहीं था। बिल्कुल, काटने के लिए लोग ऐसे लोगों को पकड़ते थे जिन, जो निर्भय लोगों, जो, वरना हमारा पूरा हिंदू धर्म तो पीपल को, बरगद को, इनको कभी निषेध था। Definitely. ये धार्मिक वृक्ष है, जैसे दरवाजे पे आपके नीम लगी है, नीम को कहते थे कि माँ शीतला का वास है, तो इन पे कोई इनको छूता नहीं था। लेकिन आज इस दौर में विज्ञान ने भी स्वीकार किया कि भारत इसीलिए इन वृक्षों की पूजा करता है कि इनका आपके जीवन में, मनुष्य के जीवन में बहुत योगदान है। गांव का आदमी जानता था कि किस वृक्ष की, किस पौधे की जड़ी बूटी के रूप में वो उपयोग करता था। जैसे हमारे यहाँ एक गांव में कहते थे कि गधा पूर्णा,
वो पुनर्नवा उसका नाम है, जॉन्डिस में वो अमृत जैसी जड़ी है, वो ऐसी सामान्य गांव में बिखरी पड़ी है। वैद्य जानते हैं, उपयोग करने वाले लोग जानते हैं, विज्ञान वर्तमान के लोगों से कहेगा कि इसको पीस के पी लीजिए तो वो शायद उसको डिनाई कर दे, इसलिए कि उसकी मान्यता उसकी निगाह में नहीं है। लेकिन हमारे अतीत का जो गांव का भारत है वो अपने आयुर्वेद को बहुत अच्छी तरह से जानता समझता था। वर्तमान में लोगों का भरोसा इसलिए बढ़ रहा है कि इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। होम्योपैथ को देखिए कितना लोगों ने स्वीकार किया, वो मीठी गोलियां लोगों के जीवन में रामबाण साबित होती हैं। तो वर्तमान में दुनिया में जिस तरीके से आयुर्वेद की, आप आयुर्वेद की ओपीडी कभी मेरे कहने के बाद जितने भी उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल हैं उनकी पिछले दो चार सालों में, पांच सालों में खाली आप ओपीडी चेक कर लीजिएगा तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि हमारे अस्पतालों में कितनी भीड़ हो रही है। रोज हम लोग नियुक्तियां करते चले जा रहे हैं डॉक्टर्स की, फार्मासिस्ट की, नए अस्पताल बना रहे हैं। वो इसीलिए बना रहे हैं कि समाज का भरोसा बढ़ा है आयुर्वेद के ऊपर। तो जब आयुष चिकित्सकों की बात करते हैं तो फिर उनके प्रशिक्षण और विकास की बात भी आती है, इस दिशा में आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? चिकित्सकों की, आयुष चिकित्सकों की बात करें, चिकित्सकों के लिए हमने आपसे बताया कि देश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने अभी तक 19 मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज, कुल 106 कॉलेज हमारे पास हैं, जिनमें 86 कॉलेज प्राइवेट हैं, 19 हमारे पास राजकीय हैं, 2 कॉलेज। अब तो होड़ मची है आयुर्वेद के कॉलेज खोलने के लिए, फार्मेसी के कॉलेज खोलने के लिए, होम्योपैथ के, यूनानी के। तो ऐसा नहीं है, नए कॉलेज रोज खुलते जा रहे हैं और उनमें अच्छे टीचर्स और पढ़ाई के प्रति बच्चों में अब तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मार्क्स बेसिस पे नहीं बल्कि स्वच्छ उनके मन में है कि उनको वैद्य बनना है, उनको आयुर्वेद का डॉक्टर बनना है। तो बहुत सारे नए बच्चे इस दिशा में आ रहे हैं आगे, और कॉलेज तो हमारे पास बहुत है। फिर इस दिशा में बात आती है शोध की, रिसर्च की, उस रिसर्चेस के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए नई नई इंडस्ट्री जो लग रही है वो हमेशा सारी दवाओं पे रिसर्च करके ही, उनकी मान्यता हमारे यहाँ से भी मिलती है तो विभाग जिन दवाओं की मान्यता देता है उनको बाकायदे शोध के बाद ही, उनके रिजल्ट के बाद बाकायदे उस पर रिसर्च करके, होमवर्क करके तब दवाओं की मान्यता है। तो धीरे धीरे जो बहुत सारी कमियां थी विभाग में, मैंने कहा कि बहुत नया विभाग है, 10 वर्षों की यात्रा है आयुर्वेद की उत्तर देश में, और पिछले मात्र 7 वर्षों की यात्रा उत्तर प्रदेश की है। लेकिन जिस तरीके से आयुष मंत्रालय ने देश और पूरे हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में काम हो रहा, वो आने वाले दिनों में मुझको लगता है कि इस पैथी के प्रति लोगों का बहुत भरोसा बढ़ा है और सभी के जीवन में कहीं ना कहीं से इन चीजों का बहुत योगदान है। अब आप घरों में भी उठा के देखिएगा तो लोग अपने इन चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। फिर बात आती है कि ये जो आयुष दवाएं हैं उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित कैसे किया जा रहा है? देखिए उसके लिए हम लोग बाकायदे, हम लोगों ने लैब बनाना शुरू कर दिया है, लैब टेस्टिंग लैब जो हमारी है वो अगर कोई शिकायत आती है किसी दवा की तो उसकी बाकायदे जांच करके और रिपोर्ट उनके खिलाफ आती है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होती है। लगातार छापेमारी उत्तर प्रदेश में हमारे जो DI ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उनके द्वारा छापेमारी करके कुछ लोग इसको अगर गलत दुरुपयोग करते हैं नाम का या नकली दवाएं बनाते हैं तो उसके लिए एक अभियान हम लोग चलाते रहते हैं और लगातार उन ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अभियान चल रहा। उनके खिलाफ अगर दवाएं गलत जांच में पाई जाती हैं, मानक के विपरीत हैं, अधो मानक है, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कर रही, उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल होते हैं, उनकी फैक्ट्रियां सीज की जाती हैं, उनके खिलाफ मुकदमे किए। फिर एक सवाल आता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूरस्थ क्षेत्र हैं, आयुष चिकित्सालयों को या चिकित्सा को वहां तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ प्लानिंग्स हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कहां तक कामयाबी हासिल हुई? देखिए गांव-गांव, आपको याद होगा कि पहले गांव में वैद्य हुआ करते थे, नाड़ी विशेषज्ञ, बिना किसी लेबोरेटरी के, बिना किसी पैथोलॉजी लैब के वो नाड़ी पकड़ के लोगों का इलाज करते थे। वर्तमान में हमारे यहाँ इसकी संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन आज भी भरोसा लोगों का वही है। हमारे जो अस्पताल है, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 4000 छोटे बड़े अस्पताल है, तो वो गांव में बिखरे पड़े हैं। ऐसा नहीं कि सारे अस्पताल शहरों में हो, शहर में भी है, देहात में भी है और दूरस्थ गांव में भी है। और उन्हीं अस्पतालों को हमने कहा कि रिनोवेशन और नए अस्पताल, चूंकि मॉडर्न मेडिसिन से अलग होने के बाद, स्वास्थ्य से अलग होने के बाद, हमको अपने परिसर के लिए जमीन उपलब्ध कराना, फिर उस पे नए अस्पताल बनाना, तो दोहरा काम करना पड़ रहा और हम लोग लगातार इसमें
इस वर्ष भी सरकार ने 400 अस्पतालों को भारत सरकार की तरफ से बनाने की अनुमति मिली है। तो ऐसे करके हर वर्ष हम नए नए अस्पताल बनाते चले जा रहे हैं, हमारे लिए कोई बंधन नहीं है। और अस्पताल, ज्यादातर अस्पताल आपको देहात में ही मिलेंगे, गाँव में ही मिलेंगे। अच्छा, क्योंकि आपने जिक्र किया कि ना सिर्फ आयुष मंत्रालय अलग से बना बल्कि उस दिशा में लगातार कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं, फिर एक सवाल ये आता है कि जो स्वास्थ्य सेवाओं की मुख्य धारा है उसे आयुष चिकित्सा को जोड़ने के लिए कहां तक कामयाबी हासिल हुई, उस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए गए, कहां तक आप लोग पहुंचे हैं? देखिए, पूरे देश में नेचुरोपैथी के प्रति, पूरा केरला का जो हेल्थ टूरिज्म है, आपको एहसास है कि पूरे देश में दुनिया के लोग आते हैं केरला में सिर्फ आयुर्वेदिक पद्धति से अपना इलाज कराने। वैसे ही देश में पूरा साउथ चले जाएगा तो आपको आश्चर्य होगा कितने बड़े बड़े सेंटर, जिंदल का सेंटर है, आप देखिएगा तो मर्ज अपरे रविशंकर जी हैं, एस व्यासा विश्वविद्यालय सिर्फ योग विश्वविद्यालय है, और एक धर्मस्थला एक संस्था है। और तो और मैं आपको घटना बताऊंगा, आपको सुन के मेरी बात पे आश्चर्य होगा कि अभी अहमदाबाद में एक बड़ा कार्यक्रम था, WHO के चीफ और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, ये सारे लोग आए थे। तो मोदी जी ने एक लेडी का परिचय कराया, वो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की बेटी थी, राष्ट्रपति की बेटी थी, उनका ब्रेन ट्यूमर से ऑपरेशन हुआ, उनके आंखों की रोशनी चली गई थी। मोदी जी ने, उन्होंने बहुत प्रयास किया दुनिया में, हमारे यहाँ दक्षिण भारत की एक संस्था है आर्य वैद्यशाला, मोदी जी ने उस संस्था से कहा कि क्या ऐसा हो सकता है, उस संस्था ने उस चैलेंज को स्वीकार किया। आप यकीन नहीं करते कि वो लेडी उस कार्यक्रम में शामिल थी जिसमें 10,000 लोग, पूरे देश के सारे आयुर्वेद के लोग उस कार्यक्रम में आए थे। उस कार्यक्रम में उस लेडी ने अपनी आंखों से अपने बच्चों के साथ हुआ आई थी, उसको देख के सारे लोगों को आश्चर्य हुआ कि आंखों की रोशनी। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद पे जो संस्थान काम कर रहे हैं, हमने कहा कि इंस्टीट्यूट भी नए नए रोज स्थापित होते चले जा रहे हैं, और मोदी जी का जितना प्रयास है, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी इस विधा में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत इस पे भरोसा भी है और उनका योगदान भी है। तो लगातार आयुष मंत्रालय इस विधा में काम कर रहा, और जो एक बार इसका उपयोग करता है, नेचुरोपैथी आपने देखा कि एक राज्य के एक माननीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिनके गले में एक मफलर लटका रहता था, मोदी जी ने उनको कह के भेजा कि आप फला जगह जाके इलाज करा लीजिए। वो इलाज क्या था, नेचुरोपैथी के द्वारा उन्होंने अपना इलाज कराया। राज उनके गले में शायद मफलर आपको नहीं दिखता होगा, तो सिर्फ और सिर्फ नेचुरोपैथी, जिसमें हाइड्रोथेरेपी है, मड थेरेपी होती है, आपको कोई भी दवा का उपयोग नहीं करते। वो आयुर्वेद की का जो सबसे बड़ा आधार है वो है आहार विहार, आपको क्या क्या खाना है, किस मौसम में क्या नहीं खाना चाहिए। तो जो हमारा खाद्य पदार्थ है, जो भोजन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरोपैथी में भी आपके आहार को दुरुस्त करते हैं, आपकी जीवन शैली, जो आपके जीवन का जो होता है ना कि इंसान की, सब लोग बहुत बिजी हो गए हैं, ओवर बिजी हैं अपने काम के प्रति दिन रात। पहले का आदमी समय से खाता था, समय से सोता था, एकदम रूटीन लाइफ हुआ करती थी। खाना भी लोगों का एकदम सेट था कि ये खाना, उनके जीवन में बहुत सारी चीजें नहीं शामिल थी, आज दुनिया भर का फूड लोग खाते हैं। तो नेचुरोपैथी में सिर्फ और सिर्फ वाटर थेरेपी, मड थेरेपी, सनबाथ, ऐसे करके वो व्यक्ति को एकदम ठीक कर देते हैं। आज देश में बड़े बड़े नेचुरोपैथी के सेंटर हैं, जहां कि आप पता कर लेंगे, अगर आपको मेरी बात की दरियाफ्त करना हो तो किसी नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल में आप अपॉइंटमेंट मांग लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि 6 महीना बाद का समय मिल रहा, इसलिए कि वहां भीड़ मची है। लोगों को लगता है कि बिना सर्जरी के, बिना किसी दवाओं के उपयोग के, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, हमारा फिजिक हमारी अच्छी हो जाए, वेट लॉस हो जाए, तो लोगों का भरोसा, मैंने आपसे कहा कि धीरे धीरे ही सही दुनिया इस तरफ आ रही है, और भारत का तो ये हमारी पैथी ही है, तो हमको अपने पुराने दिनों पर, और ये पुराने ऋषि मुनियों को जब आप गौर करिएगा तो आपको लगेगा कि ऐसे भारत हजारों साल का भारत है, और कल जब तक ये मॉडर्न मेडिसिन नहीं थी तो भारत के लोग कैसे जिंदा रहते थे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो फिर वही आपको याद आएगा कि वो गांव का वैद्य, वो हमारी आयुर्वेद, वो हमारी तमाम विधाएं थी जिनसे लोग अपना इलाज स्वतः कर लेते थे। तो आज भी बहुत सारे रोग में मोनोपोली, और मोदी जी किसी एक पैथी की बात नहीं करते, वो इंटीग्रेशन की बात करते हैं। अभी हमारा
दिल्ली में सरिता विहार में जैसे एम्स है दिल्ली में, वैसे ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा वो सरिता विहार में, कभी किसी को मौका मिले तो देखिएगा। हमारे यहीं के एक सांसद थे मोहनलालगंज के, वो मानी जी वहां के ब्रांड एम्बेसडर थे, सांसद जी चूंकि वहां से अपना इलाज कराया तो वो बहुत उनको, उस संस्थान को कभी आप निरीक्षण करिएगा तो आपको, जिस दिन मैं वहां देखने गया था उस दिन पूरी एम्स की कार्डियो की टीम आई थी। तो ऐसा नहीं कि कोई किसी की मोनोपोली किसी में है, किसी विधा में किसी को महारत है। मोदी जी का प्रयास है कि देश में सभी को मिलके इस देश को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए काम करना। अगर किसी विधा में पारंगत या महारत हासिल है आयुर्वेद को, वहां आयुर्वेद काम करेगा। किसी में मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथ को है, वहां वह अपना काम करेगा। सबों को मिलके काम करना, इसीलिए ये सात विधाओं को मिला के आयुष मंत्रालय बना है। कल्पना करिए कि पहले सारे लोग अलग अलग काम करते थे, लेकिन आज एक ही हॉस्पिटल में अगर आपको लगता है कि हमको अलग अलग डॉक्टर्स की टीम देख ले, योग के प्रशिक्षक भी रहते हैं डॉक्टरों के साथ, वहां आपको योग भी कराते हैं, तो कुल मिला के एक ऐसा इंटीग्रेशन पे मोदी जी का प्रयास है। और कोई पैथी बुरी नहीं, कोई विधा बुरी नहीं, बस ये है कि कौन चीज कौन विधा हमारे लिए कितनी उपयोगी है उस पे काम हो रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी देखते हैं हम कि जब हम बात करते हैं इन हमारे सात विधाओं की, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मॉडर्न मेडिसिन में होता है कि आपको कुछ देर के लिए आराम मिलता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो आपका जड़ से रोग खत्म हो चुका है। तो इस दिशा में अगर देखा जाए तो जन जागरूकता की आवश्यकता है क्या, और अगर है तो उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? वक्त से बड़ा कोई, हमने कहा, आपने भी जिक्र किया ना कोरोना का, तो कोरोना ने जाने अनजाने ऐसे न जाने कितने रोग, कोरोना के ठीक 100 साल पहले तृतीय विश्व युद्ध के बाद जब सैनिक अपने घरों को लौट रहे थे तो पूरी दुनिया में स्पेनिश फ्लू, ये आपसे मैं 2018 में कोरोना था और ठीक इसके 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू से पूरी दुनिया में 5 करोड़ मौतें हुई थी, जिसमें 125-150 करोड़ लोग सिर्फ भारत में मरे थे। तो समय समय पर कुछ ऐसे रोग भी जन्मते रहते हैं जिनका न कोई अभी तक कहीं इलाज नहीं, कहीं दवाई नहीं, तब लोग फिर अपने अंतर्मन में झांकते हैं। तो आयुर्वेद चूंकि इतना समृद्ध है, कुछ भी ऐसा नहीं दुनिया में जिसके इलाज के लिए आयुर्वेद में उनका जिक्र न हो, दवाओं का जिक्र न हो इलाज के लिए। तो दुनिया के लोग चाहते हैं कि हमारा इलाज भी हो जाए और कोई साइड इफेक्ट, जिसके आप चर्चा आप कर रहे हैं, तो साइड इफेक्ट से बचने के लिए और जड़ से मिटाने के लिए, तो आयुर्वेद की ताकत यही है कि उसकी दवाओं से उन, जैसे आयुर्वेद इलाज की बात ही नहीं करता, वो आपको निरोग रखने की बात करता है, स्वस्थ रहने की बात करता है। निरोग तभी आप होंगे जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, तो रोग ही ना आए शरीर में। इसलिए हमारे जो आहार है हमारा वो कैसा होना चाहिए, हमारा रहन सहन, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, आयुर्वेद में इन बातों का भी बहुत महत्व है। यहां तक ऋतुओं के अनुसार, मौसम के अनुसार हमारा क्या खान पान होना चाहिए। वर्तमान में इंसान आधी रात को भी खाता है, क्या खा रहा उसको पता नहीं, लेकिन अगर आप आयुर्वेद को अपने जीवन में फॉलो करिएगा तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजों को जीवन में फॉलो करना पड़ेगा जो आपको कब खाना है कब नहीं खाना है। मैंने कहा ना कि आहार का जीवन में बहुत योगदान है। सर बहुत शुक्रिया भारत 24 के इस मंच पर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।